संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी में इस हफ्ते कुछ परंपरागत डिशेस को मिलेगा नए जमाने का तड़का। जी हाँ, हम मना रहे हैं रीमिक्स वीक। आप तो रोज बनाते हो। अच्छा, आज हम आपको बनाने आए हैं। इस हफ्ते यहाँ बनेंगी स्वीडिश की सब्जियाँ। शेफ, खाने के टाइम लगा मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, लेकिन मीठा नहीं है। यही तो चैलेंज है। फलों से परंपरागत व्यंजन और हेल्दी इंग्रेडिएंट से कुछ पुरानी डिशेस। यानी इस हफ्ते मौज मस्ती और धमाल के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सिर्फ संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी। मैंने चुना एक ऐसी अनोखी किचन खिलाड़ी को जिनके पति के कई रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी वो खाना घर पे ही खाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो स्वाद उनकी वाइफ के हाथों में है वो किसी और के हाथों में नहीं। तो प्यार और प्रोफेशन की एक जंग जीतने के बाद दूसरी जंग लड़ने के लिए आ रही हैं किचन खिलाड़ी सीमा प्रताप। मेरा नाम सीमा प्रताप है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुझे खाना बनाने का बचपन से ही बहुत शौक था। हमारा होटल का काम था, फिर रेस्टोरेंट बनाए हमने। जैसे ना वो अच्छा खाना खिलाओ तो सब खुश हो जाते हैं, तो वही चीज ये लोग अपने कस्टमर्स पे भी इन्होंने डाली, जो हमें काफी सक्सेस इन लोगों की वजह से ही हुआ। चाहे वो फाइव स्टार किचन का खाना हो या नामचीनी रेस्टोरेंट का, पर जब वो घर पे भाभी बनाती थी वो उससे बेहतर बनता था, तो हमें लगा कि क्यों नहीं वो कोशिश कर सके। मुझे लगता है मैं एक प्रोफेशनल शेफ को बिल्कुल बीट कर सकती हूँ, तो आज मैं खिलान आ रही हूँ संजीव कपूर नू और नचान आ रही हूँ शेफ नू। आपको खाना बनाने का शौक है? सबको खाना बनाने का शौक है? मुझे तो बहुत शौक है बनाने का, हमें खाने का। अरे वाह, और इनके काफी रेस्टोरेंट्स है सुना है मैंने। बॉम्बे में है मोस्टली और एक नैनीताल में है। ओके, और फिर भी खाना घर पे ही खाते हो आप? वो जो घर का खाना जो ये बनाती है उसमें प्यार मिला होता है। अच्छा, आपकी दो बेटियां भी हैं? जी। बेटियां नहीं आई लेकिन देवरानी आपके साथ में आई। हाँ। वो मेरे साथ हमेशा से है, उसकी जब से शादी हुई है हम दोनों कभी अलग नहीं हुए। अरे क्या बात। चलिए तो मैं काम करता हूँ, मैं विनीता जी से कुछ सवाल पूछता हूँ कुछ इनके बारे में, और आपको फटाफट बताना है, रैपिड फायर राउंड है ये। ओके। इनकी फेवरेट फिल्म? अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म चलेगी। ठीक गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही। फेवरेट रेस्टोरेंट? ऑब्वियसली प्रताप्स द ढाबा, वाइल्ड डाइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो पूछने का सवाल ही नहीं था। सुपर शेफ्स में से फेवरेट शेफ? सारांश। सारांश, आई लव दिस शोज। क्या बात है, वेल डन। थैंक यू। अब जिस तरह से देवरानी ने इंप्रेस किया है तो जेठानी जो है वो रिंग में इंप्रेस करेंगे। तैयार हैं आप? बिल्कुल। चलिए शुभकामनाएं ले लें परिवार वालों से। थैंक यू। सीमा जी, आप चाहती तो प्रोफेशनल शेफ बन सकती थी, लेकिन आपने अपने परिवार के प्यार को ज्यादा महत्व दिया, इसलिए मैंने भी आपके लिए एक ऐसे सुपर शेफ को चुना है जिसके हाथों में जितना प्रोफेशनल टच है उतना प्यार भी है। स्वागत कीजिए आपके फेवरेट शेफ सारांश गोयला का। सारांश, सीमा प्रताप, सीमा जी, शेफ सारांश आपके फेवरेट। यस, आई एम सो ऑनर्ड। शर्मा क्यों रहे हो सारांश? ऐसे आमने सामने सुनने को नहीं मिलता है इतना ज़्यादा। अच्छा, तो चलिए अब जरा जंग की बातें कर ली जाए। बिल्कुल, जरा जायका पेश किया जाए। अमृतसरी कुलचे छोले हैं, पर कुछ खटास इसमें एक ऐसी आ रही है जो रेगुलर खटास से अलग है। तो हो सकता है कुछ, मुझे लग रहा है कि ये प्लम हो सकता है। आलू बुखारा? बिल्कुल। तो ये डिश का क्या नाम आपने रखा हुआ है? अमृतसरी छोले ही हैं, लेकिन प्लम की वजह से
ये एक फ्रूटी फ्लेवर आ गया है इसमें। ओके, और उसके साथ में जो वो है कुलचे, चूर चूर नान। चूर चूर नान। सीमा जी ये बताइए कि ये जो डिशेस हैं कितना समय लगता है नॉर्मली आपको बनाने में? चने बॉईल करने के अलावा आधा पौना घंटा। चलिए इस प्लम वाले छोले और चूर चूर नान बनाने के लिए हम आपको देते हैं पूरे 60 मिनट। मेरे गोंग बजाते ही समय की चक्की शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। समय शुरू होता है अब। सुपर शेफ के सामने मैं थोड़ा घबरा गई थी, वो भी खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे सुपर शेफ हैं, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ, पर मुझे अपने डिश पे विश्वास था तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं इनसे अच्छा कर लूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अमृतसरी छोले। इसे बॉयल करते वक्त मैं फ्लेवर के लिए स्टार एनीस डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक। मैंने इसमें ट्विस्ट देने के लिए प्लम्स डाल रही हूँ। इस प्लम्स को मैं बॉयल करूंगी। उन्होंने प्लम का इस्तेमाल किया है अपने छोलों में, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आमला का खटास देने के लिए। प्लम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है तो इसलिए मैं इसका चटनी बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैंने छोले जो हैं जो भीगे हुए थे उनको उबालने रख दिया है और इसमें मैं डालूंगा टी बैग। इससे क्या होएगा, रंग जो है चने का काला निकलेगा। अगर आपके पास टी बैग ना हो, मसलिन क्लॉथ में चाय की पत्तियां बांध के इसमें डाल दें पोटली बना के। जो आटा है इसमें मैदा है, नमक है और थोड़ा घी, और इसको हमने सोडे से मला है, जो पीने वाला सोडा होता है, ताकि ये इंस्टेंट इसमें फूल जाए और मेरे नान खस्ता बने। तो फिलहाल मैं अपने कुलचे का डोग गूंद रहा हूँ, थोड़े अलग स्टाइल से गूंद रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं कालजोन। वो क्या है वो बाद में बताऊंगा, पर उस तरीके का डोग गूंदा है। थोड़ा बहुत इसमें बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, चीनी है और नमक है, दैट्स इट। भाई रुक जाइए जरा, भाई कुछ और अनोखा होना चाहिए, और ये क्या अनोखा है, कुछ आपके लिए थोड़ा सा एक तोहफा है। तोहफा पेश किया जाए, एक्चुअली तोहफा नहीं चैलेंज है। जो भी इसके अंदर है उसे आपने अपने खाने में इस्तेमाल करना है। अब खाने में कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है। ओके, चलिए। ओह, ये है फूल, हिबिस्कस फ्लावर। इसको हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं। बाप रे बाप, हिबिस्कस फ्लावर। शेफ संजीव ने बिल्कुल मतलब चकरा दिया है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस फूल का क्या करूं। पहले फूलों से काफ़ी चीज़ें बनाई हैं पर हिबिस्कस फ्लावर मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। चलिए मैं आपको आपकी दुविधाओं के साथ छोड़ देता हूँ। ऑल द बेस्ट। मेरे को समझ में नहीं आया कि फूलों का मैं क्या करूँ, पर जब मैंने उन फूलों को टेस्ट किया तब मेरी जान में जान आई, क्योंकि फूल मीठे थे और उनमें एक प्यारी सी खुशबू थी, तो मुझे लगा अगर मैं इसका एक डेजर्ट बना दूं तो मेरे को बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल सकता है। तो क्या चल रहा है दिमाग में सीमा जी? मुझे लग रहा है कि कुछ मीठा बनाना चाहिए। अच्छा, अभी समय के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक इंडियन डेजर्ट, बंगाली मिठाई जैसे संदेश या किसमें इसको कैरामलाइज करके मैं डालूं और उसी में डेकोरेट करके। सारा जी बहुत आगे निकल गई हैं कि मतलब कुछ इसके साथ में मीठा भी हो जाए। खैर ये तो इनकी कहानी हो गई, आपकी कहानी क्या है? शेफ मैं ओरिजिनली अपनी डिश में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला था। हाँ। आलू बुखारे की चटनी बना रहा था। हाँ। तो उस चटनी में मैं गुड़ डालने वाला था। हाँ। तो मुझे लग रहा है गुड़ की जगह अगर मैं हिबिस्किस का इस्तेमाल हाँ। करूँ अपनी आलू बुखारे की चटनी में हाँ। तो उससे खटास आएगी और इससे मिठास। आपको लग रहा है कि इसकी मिठास जो है वो काफी रहेगी? खुशबू तो अच्छी आ जाएगी लेकिन चीनी या गुड़ जैसा मीठा नहीं है।
तो शेफ कह रहे हैं कि गुड़ की मिठास को ये कवर अप नहीं कर पाएगा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो शायद गुड़ भी इस्तेमाल करूँगा और फ्लावर भी इस्तेमाल करूँगा, और फिलहाल तो मैं फ्रेश गरम मसाला बना रहा हूँ। तो ये गरम मसाला बनाने के लिए जो बेसिक मसाले चाहिए होते हैं वो होती है दालचीनी, हमें थोड़े बहुत लौंग चाहिए होती है, जीरा चाहिए होता है, इलायची है इसमें बड़ी और छोटी, और साबुत काली मिर्च है, और साथ में जावित्री है, और थोड़ा बहुत जायफल है। तो मैं ड्राई रोस्ट करूँगा इन मसालों को ग्राइंड करके, फिर छोले के साथ मिला के फिर उस पर घी का तड़का देंगे। क्या खुशबू आ रही है इस फ्रेश गरम मसाले से, इसको मैं अपने छोलों में डाल रहा हूँ, साथ में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा बहुत मिर्ची पाउडर, नमक, थोड़ा बहुत चाट मसाला खटास के लिए, चॉप्ड मिर्ची है, थोड़ा बहुत पुदीना है, और जो आंवला डाले थे वो तो है ही। इसमें जो मैंने मगज़ डाला है, ये मगज़ के जो दाने हैं ये मेलन सीड्स होती हैं, खरबूजे के दाने, तो इनसे बड़ा अच्छा नटी स्वाद आता है। बस अब इन सब मसालों को इकट्ठा मिला के इसमें हमें गर्मा गर्म जलता हुआ घी पोर कर देना है, तो जितने ये रॉ मसाले हैं उस घी के गर्माहट से पक जाएंगे। मैरिनेट किए हुए चनों में मैंने घी में हल्का सा कसूरी मेथी डाली है, अदरक, हरी मिर्च, और जो पानी चनों में से निकला था उस पानी के साथ चने को उबलने रख दिया है। बस ये 5-7 मिनट में मेरे चने तैयार हैं। इसके बाद मुझे कुलचे बनाना है, और मेरी स्टफिंग भी तैयार है। ये पनीर, आलू, प्याज सब मिक्स कर दिया है मैंने। इन कुलचों की खासियत क्या है कि हम तंदूर का फ्लेवर देने के लिए हम इसको कढ़ाई में बनाते हैं, क्योंकि कढ़ाई में बिल्कुल बाजार के कुलचों का फ्लेवर आता है। आलू बुखारे की चटनी के लिए आलू बुखारे की प्योरी बना रहा हूँ, और प्योरी बनाने के बाद इसको हम हिबिस्किस फ्लावर, गुड़ और थोड़े बहुत जीरा पाउडर के साथ पकाएंगे। संदेश बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जो पनीर मैंने चनों के लिए लिया था मैं थोड़ी सी चीनी मिलाकर और थोड़ा वनीला एसेंस और थोड़ा सा इन फूलों का रस मिलाकर एक फ्लेवर बनाती हूँ। हाँ जी, ये शेफ क्या बन रहा है? शेफ, आज मेरा जो हाका पाका बूम वाला ट्विस्ट है उसके लिए मैं एक पूरी नई डिश क्रिएट करने वाला हूँ। मैं चूर चूर नान और छोले को आपस में मिला दूंगा। तो एक बहुत फेमस इटालियन डिश है जिसका नाम है कालजोनी, कुछ लोग कालजोन भी बोलते हैं। मेरे पास कुलचे का डो तैयार है जिसमें हमने परतदार आटा बनाया है, इसके ऊपर लगाएंगे प्लम चटनी आलू बुखारे की और साथ में हिबिस्कस फ्लावर की, इसके बाद छोले, यही है मेन स्टेप, ये लेके और ये बंद। पिज्जा से बनता है कालजोन और मैंने कुलचे का बना दिया है कालजोन। आई एम होपिंग कि शेफ संजीव को मेरा ये इनोवेशन पसंद आए। सो दैट इज व्हाट इट वाज, हाका पाका बूम। आखिरी 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स। आखिरी 1 मिनट, चलो चलो, इस दान। आखिरी 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that's it, छोड़ दीजिए। चटनी बहुत टेस्टी है, खट्टी मीठी, थोड़ी तीखी होती तो और मज़ा आ जाता, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर जो फूल का स्वाद है वो कहीं हल्का सा छुप गया है, क्योंकि इसके अंदर जो आलू बुखारा है वो ओवर पावर कर रहा है। स्वाद बहुत अच्छा है, इसमें आपको मिलते हैं 10 में से 7 अंक, वेल डन। आपने ये जो संदेश बनाए
इसमें क्योंकि फूल से आप डरे नहीं, आपने उसको इस्तेमाल किया, दिखने में अच्छे लग रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में अच्छे से पास हुए। इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं 10 में से 7। वेल डन। बाहर जो आपने ब्रेड बनाई है उसमें थोड़ी मिठास रखी है, चीनी डाली है। हाँ, वो अनएक्सपेक्टेड टेस्ट आ रहा है। जब आपने इसको बेक किया तो चने अंदर से पहले जो कंसिस्टेंसी थी, पकने के बाद में थोड़ा अंदर ड्राई हो गया है। इसमें आपको मिलते हैं 10 में से 8 अंक। वेल डन। जो आपका कुलचा बड़ा अच्छा स्वाद है उसमें, और चने के साथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आपने इसमें जो खट्टा टेस्ट दिया है, फ्रूटी टेस्ट, वो मुझे लग रहा था कि कहीं मीठा ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन मीठा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको मिलते हैं 10 में से 9 अंक। आज की विनिंग रेसिपी सीमा प्रताप जी के छोले। वाह, आलू बुखारे वाले मजेदार हैं, टेस्टी हैं, डिलीशियस हैं, स्वादी हैं भाई। आज की मेरी विनिंग रेसिपी है अमृतसरी चने प्लम के साथ, और साथ में है चूर चूर स्टफ्ड नान। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो चने, मगज 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला 1 चम्मच। चने का मसाला के लिए हमें चाहिए घी 2 चम्मच, 1 चम्मच मोटी इलायची, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच लौंग, साथ में हमने सूखे हुए गुलाब के पत्ते। बनाने के लिए भीगे हुए चने को उबालेंगे, उबालते समय हम उसमें 4 एनीस स्वाद के लिए डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक। मैंने इसमें ट्विस्ट देने के लिए प्लम्स डाल रही हूँ, और मैंने ये पानी चढ़ाया है। इस प्लम्स को मैं बॉईल करूँगी। इसमें मैदा है, नमक है और थोड़ा घी, और इसको हमने सोडे से मला है, जो पीने वाला सोडा होता है, ताकि ये इंस्टेंट इसमें फूल जाए और मेरे नान खस्ता बने। मैरिनेट किए हुए चनों में मैंने घी में हल्का सा कसूरी मेथी डाली है, अदरक, हरी मिर्च, और जो पानी चनों में से निकला था उस पानी के साथ चने को उबलने रख दिया है, और बस ये 5-7 मिनट में मेरे चने तैयार हैं। फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इसमें आलू है, पनीर, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, और इसमें मैं थोड़ा सा मोटी कुटी हुई कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। इनको मैंने भरना है। अगर हमें नान बनाना है, कोई भी मोटे तले की कढ़ाई हम ले सकते हैं। एक तरफ पानी लगाएं और इसको इसके अंदर डाल दें। थोड़ा सा हो जाने पर हम इस कढ़ाई को उल्टा कर देंगे, और उसकी आंच से ये तंदूर वाला इफेक्ट आता है। हमारे चूर चूर नान चने के साथ तैयार हैं। ये थी मेरी विनिंग रेसिपी। आप प्यार से बनाइए और सबको स्वाद के साथ खिलाइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।